जिस तरह से इस साल हमें ऑर्डर का बम्पर ओपनिंग मिला है ना, मुझे लगता है हर साल हमारे ऑर्डर बढ़ते ही जाने वाले हैं। और माउथ पब्लिसिटी भी तो होगी ना। हाँ, फिर हम लोग ऐसे 3-4 जगह होलसेल सेंटर खोल देंगे। ये गोलियां, ये गोलियां रख रख नीचे। मैंने बोला ना ये अंकल आएंगे तुम्हारे घर पे पेटियां देने। मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था। कितनी छान छान का छान, आम यही खत्म हो जाएंगे। जेठालाल से सुलह की बात याद है या नहीं? हाँ याद है, मैं तो जेठालाल के घर पे पेटियां लेकर मैं खुद जाऊँ। वेरी गुड। आओ भाई आओ। अच्छा भाभी, ये पेटियां कहाँ रखनी है? यहाँ रख दीजिए। हाँ यहाँ रखो भाई। तुम यहाँ रखो। टप्पू के पापा भीड़े भाई आए हैं। भीड़े आया? उसका दूसरा मोबाइल दे, वो भी बिगड़ गया क्या? ये भीड़े है पनवती। क्या है भाई? अरे रत्नागिरी से आम का टेम्पो आ गया है, तुम्हारे 30 डजन आम की डिलीवरी लेके आया हूँ। आई ना खुशबू? रत्नागिरी के आम की बात ही निराली है। अच्छा देवा भी, ये रहे 3 किलो पापड़ फ्री। थैंक यू। अच्छा इसमें से एक एक नग देख लीजिए, देख लीजिए सही है कि नहीं। हाँ क्या भिड़े भाई, आप भी उसमें देखने का क्या, आप पर विश्वास है? देवा भी माना कि आपको मुझ पर विश्वास है, लेकिन आपको सही माल देना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कह रहा था कि गिन लो। क्या है, धंधे के कुछ उसूल होते हैं, ग्राहक का पैसा वसूल होना चाहिए ना। और एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आम खाने के बाद आप मेरे पास दोबारा आओगे, आम की कंप्लेंट लेकर नहीं है, बल्कि और आम चाहिए ऐसा ऑर्डर देने, क्योंकि रत्नागिरी के आम के स्वाद की गारंटी मैं देता हूँ। रत्नागिरी के आम बहुत अच्छे होते हैं ना, इसलिए गारंटी दे रहे हैं। तो मैंने दूसरा मोबाइल जो तुमको दिया है वो भी अच्छा है, तो उसकी गारंटी मैं भी देता हूँ भाई। मतलब टप्पू के पापा, आपने भीड़े भाई को जो दूसरा मोबाइल दिया है वो रत्नागिरी का है? देवा भी, एक मिनट। जेठालाल मैं ये कह रहा था। अरे क्या मैं ये कह रहा था, हर बार तू ही सच्चा है, तेरी टंगड़ी ऊपर। टंगड़ी की बात नहीं है जेठालाल, ये ग्राहक के हक की बात है। अब देखो ना, ग्राहक ये शब्द नहीं हक है। अरे भाई टप्पू के पापा, भीड़े भाई देखिए जो होगा ऐसा हो गया, अभी भूल जाए ना प्लीज, आप दोनों आपस में सुलह कर लीजिए। देखिए मेरी माँ कहती है पतंग ऊपर ऊपर उड़ाने में तो सबको मजा आता है, लेकिन जब वो पतंग कटती है तब दोनों को तकलीफ होती है। जिसकी पतंग कटी उसको भी तकलीफ होती है, और जो पतंग काटता है उसको भी तकलीफ होती है। कैसे? वो तो मैंने नहीं समझाया था। जिसकी पतंग कटी उसको तो तकलीफ होती ही है, ये तो आप लोग मानते हो ना। अब जो पतंग काटता है उसको भी तकलीफ होती है। अरे उसको कैसे तकलीफ होती, वही पूछ रहे हैं भाई। हाँ देखिए, जो पतंग काटता है ऐसे ऐसे तो उसकी उंगली में डोरी का चीरा पड़ जाता है, तो उसको तकलीफ हुई ना। ये 30 दर्जन आम लाए ना, तो उसके 7.5 दर्जन रुपए। अरे देवा भाई, पैसे बाद में देंगे तो भी चलेगा? नहीं नहीं भाई, बाद में हमको नहीं चलेगा ना, बाद में दिया तो पता नहीं क्या और दो बातें सुनाएगा। क्या 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 क्या, अभी क्या सुना रहा था मुझे तो सब? देखो मैंने कुछ नहीं सुनाया। कुछ नहीं भिड़े भाई, आप पैसे गिन लीजिए ना। नहीं नहीं, गिनने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है। क्या ऐसे क्या देख रहे? अरे आप टेगा। हाँ बोल रहा हूँ तो भी। क्या है, क्या देख क्या रहा है? रुक, इधर इधर इधर। और तू रुक है एक मिनट, क्या जो पतंग काटता है उसको भी तकलीफ होती है? रुक तुझे काटता हूँ मैं अभी। रुक रुक। मेरी माँ ये कहती है, मेरी माँ वो कहती है, माँ के नाम पे कुछ भी बेचती है। अंजलि, आ
आम क्या फल है, इसीलिए इसे फलों का राजा बोलते हैं। अमृत है अमृत। आज बहुत आमरस खाने वाला हूँ मैं, तुम टोकना बता। हाँ, खा लेना। क्या बात है, ये डाइट कंट्रोल क्वीन अंजलि बोल रही है। हाँ बाबा, खाना हो उतना आमरस खाना बस, क्योंकि मैं आपके लिए डायट आमरस बनाने वाली हूँ। डायट आमरस, ये क्या होता है? अरे तारक, देखो अंजलि तारक मेहता की नई डायट रेसिपी, डायट आमरस। देखो पहले मैं आमरस निकालूंगी, उसको मैं पतीले में डालकर उबालूंगी, थोड़ा सा मिरी पाउडर डालूंगी, उसमें पानी डालकर और उबालूंगी। उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है। क्या? दिल, फेफड़ा, जिगर, सब कुछ उबल रहा है। ये कोई आमरस है अंजलि, इसे तो तुमने सूप बना दिया है। हाँ तो तारक, पॉपुलर हो जाएगा अंजलि तारक मेहता का मैंगो सूप। क्या मैंगो सूप अंजलि, मुझे आमरस खाना है। ओफो तारक, मैं मजाक कर रही हूँ, आप आमरस आमरस की तरह ही खाना बस। फिर टोकना मत, खाने देना। हाँ बाबा, मिलेगा, लेकिन तारक जरा कंट्रोल में खाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो हुक्म सरकार। अब प्रॉमिस पुत्र, अभी तो रोज आमरस से बनी चीजें खाएंगे। बाप बेटा बेऊ टड्डन घेला चे घेला, रोज के रोज आमरस थोड़ी ना खा सकते बाबा। और क्यों नहीं रे बाबा, अभी तो लस्सी भी मैंगो लस्सी होगी, आम की रोटी, आम की सब्जी, आम की दाल, आम की सलाद, और डेजर्ट में मैंगो आइसक्रीम। शाबाश पुत्र, भाई आम का सीजन है तो हर चीज आम की बनेगी। बस बस, अबे कोई सुनेगा तो पागल बोलेगा। मैं था पगला सोनिए, पर तेरे प्यार इश्क मोहब्बत में। रोशन कोगी सुन रहा है? मैंने नहीं सुना। सुना? अभी तू इतना एक्साइटेड है तो शाम को जल्दी से आमरस खाने टाइम पे आ जाना। हाँ ओए ओए, मज़ा आ जाएगा सोनिए। चलो बाय बाय। हम लोग आम ऐसे ही खा लेते हैं ना, आमरस में तो बहुत टाइम लगेगा। क्या बात है गोली बेटा, क्या आइडिया दिया है? नो। क्यों कोमल, तुम अंदर जाके रस निकालो ना, हम आम ऐसे ही खा लेते हैं, पेट में जाके तो रस ही बनेगा ना। हाँ हाँ। अरे नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए और आमरस का मजा लीजिए। एक आम तो खाने दीजिए। अरे थोड़ी देर तो दिल को लीजिए। था दिल को कैसे लूं थाम, जब सामने हो आम। तो फिर करो कुछ काम, तो याद नहीं आएगा आम। अरे मम्मी पापा, आप लोगों ने तो मुशारा ही शुरू कर दिया। मम्मी आप आमरस की तैयारी करो ना प्लीज। सही बात है। ओके पापा, लाओ। अय्यर ये क्या कर रहे हो? सारे आम पानी में डाल दिए। यस बबीता, हम इन सारे आमों का रस निकालेंगे और उसको पूरे साल भर फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। क्यों बबीता? जब आम का सीजन नहीं होगा तब भी हम आम रस का आनंद ले सकेंगे। वेरी नाइस अय्यर, वेरी गुड आइडिया। पर आपको उस चीज के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत? क्योंकि सारे आम का रस मैं अकेली नहीं निकाल पाऊंगी, तो उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी। डोंट वरी बबीता, पहले मैं ये सारे आम का रस निकालूंगा, फिर खाऊंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। सर का फोन है। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, ओके ओके, आई एम कमिंग इन हाफ एन आवर। हाँ ओके ओके। क्या हुआ? सॉरी बबीता, सेंटर में अर्जेंट मीटिंग है। सॉरी डियर, मेरे को जाना पड़ेगा। अरे टप्पू के पापा, आज आप दुकान नहीं जाएंगे? तू बोले तो नहीं जाता हूँ, बोल। अरे नहीं नहीं जाइए, क्या है कि रोज आप इस वक्त दुकान पे होते हैं, लेकिन आज आप घर पे हैं, इसलिए पूछा। आज जाऊंगा दुकान, लेकिन रस पूरे खाने के बाद जाऊंगा। अरे वाह जेठिया,
रस पूरी खाने के लिए आज तू दुकान देर से जाएगा। हाँ बाबूजी, आज थोड़ा मूड हो गया रस पूरी खाने का, तो सोचा हो जाए रस पूरी आज। या खा दौड़ का, जा दुकान जा, दुकान जा। अरे बाबूजी प्लीज, आज बहुत दिनों के बाद मूड हुआ तो खाना दीजिए ना। अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, दुकान में आओगी ना रस पूरी लेकर। तो ठीक है, तो काम करना, नटू काका के लिए भी लेके आना। हाँ ठीक है, चलो चलता हूँ। अरे आपने नाश्ता नहीं किया? नहीं नहीं, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं, आज सीधा रस पूरी खाऊंगा, उसके लिए पेट में जगह खाली रखी है। अच्छा अच्छा अब जरा मेरा एक छोटा सा काम करेंगे। बोल बोल, आज रस पूरी की वजह से मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो जो बोलेगी तेरा काम कर दूंगा। तो आप दुकान जाते जाते आम की पेटी जरा अहमदाबाद देते जाएंगे। तुझे क्या लगता है हमारी दुकान गांधीनगर में है, कि मैं नड़ियाद से निकला और बीच में रास्ते में अहमदाबाद आम की पेटी देकर दुकान चला गया? नड़ियाद गांधीनगर, वहाँ कहाँ पहुँच गया? अरे वहाँ कहाँ पहुँच गया वाड़ी, ये क्या तू बेवकूफ जैसी बात कर रही है? एक नंबर के धोखेबाज है आप। अभी क्या बोला आपने? अभी बोला। दया दया, मैं आज बहुत खुश हूँ, तू जो भी बोलेगी वो तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, और अभी मैंने काम बोला तो आप मना कर रहे हैं? अरे ऐसा नॉनसेंस जैसा काम बोलेगी तो मना ही करूंगा ना। जेठिया। हाँ बापूजी। क्या हुआ बापूजी? ये दया बोल रही है दुकान जाते जाते अहमदाबाद आम की पेटी देते जाना, बोलो। नहीं 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 बापूजी, मैं ऐसा कह रही थी कि दुकान जाते जाते अहमदाबाद के लिए आम की पेटी देते जाना। के लिए? के लिए कभी बोली तो? हाँ वो के लिए जरा रह गया पेटी में ही। कौन सी पेटी में? ससुराल पेटी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरा के लिए स्वर पेटी में फंस गया है? अभी पता चल गया। हाँ तो अभी आप आपकी पेटी करियावर कर दीजिए ना। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, आज जरा स्वर पेटी साथ नहीं दे रही है, करियावर नहीं कुरियर, यानी अंगुलिया। हाँ समझ गया। हाँ। आप जरा वो नटू काका और बागा भाई के लिए भी एक पेटी लेकर जाएंगे। एक पेटी अहमदाबाद की? नहीं नहीं अहमदाबाद की तीन पेटी। तीन पेटी अहमदाबाद की और एक पेटी नटू काका बागा की, चार पेटी मैं कैसे लेके जाऊंगा? रिक्शा में। दया रहने दे भाई। थैंक यू। तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, वो चार पेटी दुकान में लेकर आता। तू आराम से जा, हाथ हिलाते हुए। ले जाता हूँ मैं बापूजी। किधर है पेटी, ला अभी। अरे भाई भिड़े, तेरे आम की पेटी किधर? बस बस बस। क्या हुआ जेठाला? अरे भिड़े भाई, ये पेटी जरा इसमें रखने में मदद करना। ये उड़स था, कितना डरा दिया तुमने मुझे। नीचे। अरे एक मिनट भाई, तो नीचे रख। भिड़े को किस लिए बुलाया मैंने? तो शांति रखने को रखेगा सब। तो नीचे रख, नीचे रख। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग। ये वो सुंदर के लिए अहमदाबाद आम भेज रहे हैं। ओह, और मेरी माँ के लिए भी। हाँ सुंदर और दया की माँ के लिए भी। आपके लिए भी भेजो दो तीन पेटी। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, हमने ऑलरेडी ले लिए भिड़े भाई से। थैंक यू। हाँ। अरे भाई तू खड़ा क्या, पेटी रख अंदर। अरे हाँ। ठीक तरह से। अभी मदद नहीं करेगी वो, मैं आने वाली थी पर अभी आपने ले लिया। संभल के भाई संभल।
भाई भिड़े, मैं तो कहता हूँ अहमदाबाद तक काम पहुंचाने की सर्विस भी तुझे ही देनी चाहिए। अभी इस साल अगर ग्रैंड सक्सेस मिलेगा ना जेठालाल, तो अगले साल से अहमदाबाद भी डिलीवरी शुरू कर दूंगा। तो भिड़े भाई, आप इसी तरह अहमदाबाद में भी एक दुकान खोल देना, सुंदर भी आपकी मदद करेगा। हाँ जरूर जरूर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलो ओके, थैंक यू। चलो भाई चलो। सब बन के ले जाना। बस 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 बस। हाँ बागा। आइए सेठ जी। आ गया भाई। हाँ। देख इसमें एक पट्टी तेरी और नटू काका की है, और बाकी की सुंदर को अहमदाबाद भेजनी है। अच्छा। हाँ उतर। वो क्या कर रहा है? आम की पेटी उतार रहा हूँ। पर दूसरी पेटी क्यों उतार रहा है? सेठ जी, ये एक पेटी मैंने अपने लिए उतार ली, अब दूसरी नट्टू काका के लिए नहीं उतारू। अरे भाई, अंदर जो तीन पेटी है वो सुंदर को अहमदाबाद भेजनी है, और ये एक पेटी में से तू और नट्टू काका समझ लेना ऐसा। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ संभाल के रख क्या दुकान में। हाँ संभाल संभाल। जाओ जाओ भाई जाओ। भाई एक दो मिनट। हाँ क्यों क्या है? नहीं वो बस चाय बोली है, आ रही है। अरे भाई मीटर चालू है, बैठ तू अभी, निकल जल्दी। और पैसा है ना? हाँ वो मैंने नट्टू काका से ले लिए हैं। ठीक है चलो चलो निकलो। चलो चलो भाई चलो। बंद क्यों किया रिक्शा भाई, चालू रखने का। चलो चलो। हाँ अच्छा आता हूँ सेठ जी। हाँ हाँ जल्दी आना। चलो थैंक यू। सुंदर भैया को आम की पेटियां भिजवा दी है। कितना हुआ कुरियर का? 3,000। 3,000? एक आम की पेटी का 1,000, तो 3 के 3,000 होंगे ना। अरे कौन सा कुरियर से भेजा तूने? मैंगो कुरियर सर्विस। अरे भाई मैंगो या पैंगो, 3,000 थोड़ी होता है कुरियर का? होते हैं ना सेठ जी, प्लेन से भेजो तो होते हैं। तूने आम प्लेन से भेजे? हाँ। अरे भाई इतनी कोई जल्दी नहीं थी। वो आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था सेठ जी। ये तो मैंने सोचा सुंदर भैया आपके साले साहब हैं, तो हो सके उतना जल्दी उन्हें आम मिले, इसलिए मैंने प्लेन से भिजवा दिए। He's right, सेठ जी। अगर वो आम ट्रेन से भेजता तो कल शाम तक मिलते, और तब तक तो आम पककर सड़ जाते। कैसे? I explain you। ट्रेन लोहे की, सीजन गर्मी की, तो ज्यादा गर्मी की वजह से आम ज्यादा पककर सड़ जाते हैं। Got it? अरे पूरी दुनिया बेचती है ट्रेन से आम, उनके आम नहीं सड़ते और हमारे आम सड़ जाएंगे। वो तो जैसी जिसकी सोच। हा? मैं निकलूं? और कोई काम मेरे लिए? कोई काम नहीं है भाई। थैंक यू, आभार। चलता हूँ। और हाँ नट्टू काका, पद्मावती पे मिलते हैं। ठीक है बेटा, मैं पद्मावती भोजनालय में बराबर 1:30 बजे पहुँचता हूँ। नट्टू काका, आज पद्मावती का कैंसिल करो। क्यों सेठ जी, आज उपवास करवाने का इरादा है? अरे नहीं, वो दया आज घर से स्पेशल रत्नागिरी आम का रस और पूरी लेकर आ रही है दुकान पे। सेठ जी क्या बात है, आज रस पूरी? बागा बेटा, आज तू भी हमारे साथ रसपुरी खाके ही जाना। थैंक यू नट्टू काका। माय प्लेजर। सेठ जी, आज बागा भी हमारे साथ खाना खाके जाएगा, चलेगा? हाँ हाँ, दया भरपूर रसपुरी लेके आ रही है। बैठो बैठो, बाहर दुकान में बैठो। जी। अब 3,000 का कुरियर, सोना करता घड़ामण मोंगी पड़ी। अब बेटा रहने दो ना दीका। नहीं मम्मी, मैं भी करूंगा। टप्पू हर चीज खेलने की नहीं होती है दीका।
अरे ये आम तो सड़ा हुआ है। ये लतो, ये भी सड़ा हुआ है। ये भी सड़ा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो सभी चेक करते हैं। लगता है सब आम सड़े हुए हैं। सुना है इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ तो आम सड़े हुए निकले और इधर हमारे मित्र जेठालाल आम रस का मूड बना के बैठे। भाई जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, आप फिल्म बहुत मन से देखना चाहते हैं और पहुंचे पिक्चर हॉल पे और पता चला कि हाउसफुल है, टिकट ही अवेलेबल नहीं है। आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं और बस में इतनी भीड़ है कि आप बस में चढ़ ना सके। आपको अच्छा खाना खाने का मन है और आपकी पत्नी उस दिन आपके लिए खिचड़ी बना दे। अक्सर जब हम खुश होते हैं तो मूड का ऐसे ही सत्यानाश होता है। बहरहाल अब यहाँ क्या होने वाला है ये देखने वाली बात है, क्योंकि भिड़े ने गारंटी दी थी कि आम मीठे निकलेंगे। और भाई इधर जेठालाल को जब सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा? भाई भिड़े की गारंटी का क्या होने वाला है ये तो अभी ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी गारंटी मैं आप लोगों के लिए जरूर ले सकता हूँ कि जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड देखेंगे तो इतने ठहाके लगाएंगे कि गिनते नहीं बनेगा, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।